लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर आसनसोल नगर निगम के पार्षद अमित तुलसियान ने वार्ड संख्या 18 में छठ व्रतियों के बीच नए वस्त्र का वितरण किया। इस दौरान मुख्य रूप से आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी उपस्थित थे। छठ के अवसर पर माताओं बहनों को एक वस्त्र प्रदान करके आपके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना और आप वर्षों से 3 दिनों का ये उपवास करके जो कठिन परीक्षा ईश्वर के सामने देते हैं उसको स्वीकृति देना ही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि ये साड़ी आपको नहीं देने से छठ पूजा नहीं होगा। गरीब से गरीब आदमी भी चाहे जैसे भी हो अपने छठ की व्यवस्था कर देता है, लेकिन जब आप छठ करते हैं और भगवान ने जब इतनी ताकत दी है कि 1000-2000 महिलाओं को छठ के पहले हम एक वस्त्र दे सकते हैं, तो ये वस्त्र देकर ये बताने का प्रयास किया जाता है कि आप जो तपस्या करेंगे उसमें हम लोग भी आपके साथ हैं, आपका काउंसलर भी आपके साथ है। आने वाले दिनों में ये जो संबंध है ये बना रहे, ये 2019 है, 2019 के छठ के पहले ये कार्यक्रम हो रहा है। आपका काउंसलर सोनू वो आपके लिए साड़ी लेकर आया है। मैं चाहता हूं कि 2020 में जब छठ पूजा के पहले ये कार्यक्रम हो उस समय भी आपके काउंसलर के रूप में सोनू ही यहां पर आपके लिए साड़ी लेकर आया। क्योंकि जैसा भी है आपका अपना है, आप उसे अच्छा काम करे तो आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, कुछ गलत करे तो आप उसको डांट सकते हैं, उसे लड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर दूसरा को हम लोग अपना क्यों बनाए। दूसरा कोई मान लीजिए आ भी गया, वो कैसा निकलेगा नहीं निकलेगा, वो आपका बात सुनेगा नहीं सुनेगा, आपके दुख दर्द को समझेगा नहीं समझेगा, कौन जानता है। इसीलिए छठ पूजा से पहले मेरी केवल यही प्रार्थना है कि वो आपका अपना है, उसको अपना बना के रखिए। आने वाले दिनों में बढ़िया काम करता है तो आप हमको शाबाशी दीजिए, यदि कुछ गलती भी करता है तो हम हैं, हमको बताइए, हम उसको सुधार देंगे, लेकिन उसको अपने बीच से कहीं जाने मत दीजिए, उसको पकड़ के रखिए कि तुम ही को रहना है। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जब तक तुम बूढ़ा नहीं हो जाता है तुम्ही को यहाँ पर आना, तुमको हम लोग जाने नहीं देंगे। कहीं वार्ड महिला हो गया तुम्हारा पत्नी को रहना हो गया कि मैं महिला वार्ड हो गया तो फिर भी तुम्हारा पत्नी को रखना है और तुमको काम करना है, तुमको जाने नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सब सब अच्छा करते, कुछ गलती भी करते हैं, लेकिन वो गलती सुधारने के लिए आप लोग हैं और आप लोग नहीं सुधारेगा तो हमको बताइएगा, हम सुधार देंगे, लेकिन हम लोग उसको अपना रखेंगे। मेरा हमारे अपने घर का छोटा भाई अपने घर का लड़का जब गलती करता है तो क्या उसको बेटा बोलना बंद कर देते हैं क्या, भाई को भाई बोलना बंद कर देते हैं क्या, भाई से लड़ाई करते हैं, बेटा को डांटते हैं, लेकिन बेटा तो बेटा है, जो अपना घर में जन्म एक बार ले लिया वो अपना बेटा होगा, अपना जो भाई है वो अपना सोना है, तो वो रिश्ता आप लोगों का बन गया है। इसको कभी खत्म मत होने दीजिए और इसको बना कर रखिए। छठ माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ छठ आपके काउंसलर सोनू को इतना ताकत दे कि वह आपके दुख दर्द को बांट सके।